हेलो स्टूडेंट, कोशिश करना कि इस पूरे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को स्टार्टिंग से मेंटेन करने के लिए और सीक्वेंस से मेंटेन करने के लिए। और वन मोर थिंग कि ये न्यू सिलेबस के मुताबिक जो कंटेंट आप लोगों को इस बार दिया गया है बोर्ड की तरफ से, हमने उनको ही यहाँ पे मेंटेन किया है। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पर कि जो भी थ्योरी वाला पार्ट्स है उसको आप रूलिंग वाले पेज पे लिखना, और जो पोर्शंस कैलकुलेशंस में हैं या फिर जो टेबल वगैरह हैं उन सभी टेबल और कैलकुलेशंस वाले पोर्शंस को पूरी तरह से कोशिश करना ब्लैंक शीट में मेंटेन करने के लिए, चाहे जितने भी पेज लग जाए, डजंट मैटर। और एग्ज़ाम का टाइम वैसे भी बहुत क्लोज है, तो कोशिश करने से जल्दी शॉर्ट आउट करने के लिए। और इसके बावजूद भी कोई डिफ़िकल्टी यदि कहीं होता है कहीं समझने में या आपको लिखने में, तो मुझे कॉल या मैसेज कर लेना। सेकंड थिंग, इसमें हमें यदि कुछ और ऐड करना होगा तो हम लोग सबसे लास्ट में ऐड कर लेंगे, ज़रूरत पड़ा तो। यदि ज़रूरत नहीं पड़ा तो इतना भी सफिशेंट होगा। बट हाँ, वन मोर थिंग, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप राइटिंग करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तो कहीं पे कोई एरर ना हो। सीक्वेंस तो मेंटेन रखनी है, साथ साथ में कोई एरर ना हो, साथ साथ में ज़्यादा ज़्यादा आप कट कुट इस तरह के चीज़ें नहीं करोगे। कई बार आप लोगों का हैबिट होती है, लिखते लिखते गलतियाँ होगी, टेबल काट दिए, पेज फाड़ दिए या वाइटनर चला दिए, ये चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेटर है। चूँकि जब हम भी कभी कॉपी चेक करते हैं एज एन एक्सटर्नल, तो उस वक्त हमें इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कितना नीट एंड क्लीन कॉपी को मेंटेन किया गया है। चूँकि यदि आप नीट एंड क्लीन मेंटेन नहीं किए तो कहीं ना कहीं ये बैड इंप्रेशन आपका डेवलप कर देगा सामने वाले के। तो बेटर ये है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि गलतियाँ ना हो तो ज़्यादा बेटर है। जितना क्लीन होगा, राइटिंग जितनी अच्छी होगी, वो भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि राइटिंग जितना अच्छा हो उतना बेटर है। ऐसे नहीं कि 90 का स्पीड में पूरी की पूरी नोट्स मेंटेन कर दी और पता चला कि हम ही नहीं पढ़ पा रहे कि उसमें लिखा हुआ क्या है। तो इसका भी ध्यान रखना आपको जिस वक्त आप लिख रहे हो या रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो। तो ओके, होप्स हो कि मेरी बात आपको समझ में आया होगा। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे कि सपोज़ आप ब्लैंक शीट पे आपने ऑब्जर्वेशन टेबल को लिखा, तो ये कोशिश करना कि ये ब्लैंक शीट जिस पेज पे आप लिखे हो, मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल जिस ब्लैंक शीट पे लिखे हो उसके बिल्कुल सामने आपने रूलिंग वाले पेज पे कैलकुलेशंस को मेंटेन कर देना। ऐसा करने से ज़्यादा ये होगा कि जो आपने कैलकुलेशंस में जो भी आपने रिजल्ट निकाला है वो ऑब्जर्वेशन टेबल में डायरेक्टली उसे दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसे भी करने से भी आप चेक करने वालों को थोड़ा ये इजी पड़ेगा कि बच्चे ने रिकॉर्ड में जो कुछ भी लिखा है वो बहुत क्लैरिटी है, और साथ साथ में ऑब्जर्वेशन टेबल के सामने ही कैलकुलेशन वाले पार्ट को शो किया गया है, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है चेक करने वालों को। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम।